वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई आज दो गाड़ियां हैं, एक ब्लैक कलर और एक ग्रे कलर, दोनों में अलग अलग इंटीरियर है। एक में है टैन कलर और एक में है ब्लैक एंड ब्लू। भाई वीडियो देखें, वीडियो में मजा आएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। आपको बताएंगे दोनों गाड़ियों में क्या क्या फीचर्स लगाए गए हैं, क्या है इन दोनों गाड़ियों का प्राइस। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों गाड़ियों का शानदार वॉक अराउंड वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये दोनों जबरदस्त क्रिएशन? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, दोनों गाड़ियों में से कौन सा गाड़ी आपको अच्छा लग रहा है। वैसे मेरे को लगता है आपका वोट इस गाड़ी को ज्यादा जाएगा, क्योंकि एक तो ब्लैक कलर भाई वैसे ही खिल के आता है, उसका शाइन ज्यादा होता है। दूसरा भाई इस गाड़ी के अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा लगाए गए हैं। फिर भी मैं आपके वोट का इंतजार करूंगा, वोट जरूर करें। बाकी आपके कोई सजेशन है या फिर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है तो नीचे जरूर लिखें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो नए फ्रेंड जुड़े चैनल के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबा दें, फिर आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी भाई बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, फ्यूचर में कभी गाड़ी लेना हुआ ना तो बहुत इजी हो जाएगा, मैं क्या क्या फीचर्स लगवाऊं, कैसा कलर करवाऊं और कैसे गाड़ी लूं, हर चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, जैन मोटर जीप के नाम से हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे आप जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे ऐसी शानदार गाड़ियों की फोटोज़ अपलोड होती है, रील्स अपलोड होती है, और मेनली लाइव स्ट्रीम आते हैं हम, हमारे जो कस्टमर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ लाइव बातचीत होती है, तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाता है, तो वहाँ पे आप जरूर जुड़ें। तो बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की ओनरशिप डिटेल के बारे में। ये गाड़ी ब्लैक कलर का गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर प्रेम जी, जो कि हैं वेल्लूर तमिलनाडु से। तो इन्होंने हमें ऑफलाइन ऑर्डर किया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट पूरा था, बट क्या होता है ना, एक जीप के लिए जो एक्साइटमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा थी। तो उनको था कि भाई राहुल भाई मैं पर्सनली वहाँ पे आके देखूंगा यार क्या क्या फीचर लगाने चाहिए, तो थोड़ी एक्साइटमेंट के कारण यहाँ पे आए, तो उन्होंने अपने सारे फीचर्स लिखवाए, नोट करवाए, उसके बाद वो ऑर्डर दे के चले गए, और आज फाइनली उनका गाड़ी TN रजिस्ट्रेशन के साथ रेडी हो चुका है। हम राजस्थान नंबर में भी कर देते हैं, पंजाब नंबर में भी कर देते हैं, लेकिन उनकी डिमांड थी मेरे को TN नंबर में ही चाहिए, तो TN रजिस्ट्रेशन में उनके लिए गाड़ी रेडी हो चुका है, बहुत ही शानदार प्यारा गाड़ी है। दूसरा गाड़ी दोस्तों, ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर सुनील जावरे जी, जो कि है पंजिम गोवा से। तो इन्होंने एक सादा बेस मॉडल गाड़ी रेडी करवाया है हल्के फुल्के फीचर्स के साथ। इन्होंने गिफ्ट देना है अपने बेटे को, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने ज्यादा बेटे की चॉइस के ऊपर गाड़ी रेडी किया, तो उनकी चॉइस थी मेटालिक ग्रे कलर, तो मेटालिक ग्रे कलर के साथ ये शानदार गाड़ी रेडी हो चुका है। ये गाड़ी ब्लैक कलर है। अगर आप दोस्तों गाड़ी रेडी करवाना चाहते हो तो ब्लैक कलर में करवाओगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं होता, जबकि ग्रे या फिर चेरी मेटालिक या फिर रेड या फिर व्हाइट कलर की तरफ जाओगे तो उसका चार्ज थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फ्रंट की बात करें दोनों गाड़ियों की, तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट डिफरेंट है। फ्रंट में इसकी बात करें तो ये इसके अंदर है ग्लैडिएटर ग्रिल, जबकि इसके अंदर लगा दिया हमने एंग्री वर्ड ग्रिल, और दोनों के बम्पर में भी डिफरेंस है। मुस्ताज बम्पर इसमें लगा है, मुस्ताज बम्पर इसमें, लेकिन इसके अंदर पाइप के कारण दो लाइट्स लगा दी हैं, जबकि इसके अंदर हैवी विंचेस्टर मशीन लगाया है। तमिलनाडु और ये अपने केरला की जगह है ना, वहाँ पे ऑफ रोडर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे ऑफ रोडिंग का शौक ज़्यादा है, तो इसलिए मेवी प्रेम जी ने इसके अंदर विंचेस्टर मशीन लगाई है, जबकि गोवा के अंदर इसका ज़्यादा क्रेज मे भी मेरे को लगता है कम है, क्योंकि हमने जितनी भी गोवा में गाड़ियाँ दी हैं विदाउट विंचेस्टर मशीन दी गई हैं, जबकि ये गाड़ी गोवा रजिस्ट्रेशन में है। देखो जो सुनील जी हैं इनको भी गोवा रजिस्ट्रेशन में ही गाड़ी चाहिए था, इनको भी हम राजस्थान पंजाब दे देते लेकिन बोले मेरे को भाई गोवा रजिस्ट्रेशन में ही करके दो, तो गोवा रजिस्ट्रेशन के साथ ये गाड़ी हमने बना के दिया है। तो इसमें स्कूप बोनट है, इसमें स्कूप बोनट नहीं है, स्कूप बोनट का ट्रेंड आजकल ज़्यादा है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। दोनों में मिनी मॉन्स्टर टायर फिटिंग कर दी है सस्पेंशन सिस्टम के साथ। तो दोनों गाड़ियों के इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर भाई है ब्लैक और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है,
और कंसोल भी ब्लैक एंड ब्लू किया है, नीचे ब्लैक मैटिंग, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं लगाए गए। बाकी पीछे की बात करें इस गाड़ी की, तो पीछे बलेरो की टेल लैंप है और इसके अंदर कोई भी यानी कि एक्स्ट्रा एलईडी या फिर एक्स्ट्रा जैक वगैरह नहीं लगाया गया, जबकि इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर वाइज बहुत ही लुक ऑसम है। देखो एक्सपेरिमेंट करने को हम तैयार हैं, बट कस्टमर हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स करे भी, हाँ भाई मेरे को आप इस टाइप का इंटीरियर दो, तो भाई बहुत ही प्यारा इंटीरियर है, टैन कलर के अंदर इंटीरियर बनाया गया है और नीचे देखें आप कंसोलिंग भी टैन कलर की गई है, जबकि मैटिंग ब्लैक कलर। अब इसको आप बोलोगे कि भाई यार मैटिंग इसकी आपने टैन कलर क्यों नहीं की, देखो टैन कलर थोड़ा सा मैला ज़्यादा होता है, अपन पैर वगैरह रखेंगे तो वो मैला हो जाएगा ज़्यादा मैट, तो इसीलिए इसके अंदर ब्लैक मैटिंग की है। ये छोटी छोटी बातें एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, जो हमने परफॉर्म की है, हमने देखी हुई है, हर चीज़ के बारे में सोचा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम गाड़ी रेडी करते हैं। बाकी बहुत ही प्यारा इंटीरियर है, डबल बूफर साउंड सिस्टम लगा दिया गया है और ब्लैक एंड क्रोम का स्टेयरिंग व्हील लगा दिया गया है। पीछे की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर जैक लगा दिया गया है, एलईडी वर्क पूरा किया गया है, लगाने को आप लगा सकते हो, अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका बजट कम है तो आप उस गाड़ी जैसा इंटीरियर या एक्सटीरियर करवा सकते हो, आपको बढ़िया लगेगा वो भी, बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, इसके अंदर मैं आपको कमेंट नहीं करूंगा कि आपका बजट कम ज़्यादा, आप अपना बजट देखें उसके बाद ही आप उसका ऑर्डर करें, उसके बाद आपको गाड़ी रेडी कर दिया जाएगा। बेस मॉडल गाड़ियों का प्राइस होता है 4,50,000 रुपये, अगर मान के चलो आपका बजट अपर है आप ज़्यादा फीचर्स लगवा सकते हो। अभी इन गाड़ियों को बताएं तो ये गाड़ी आपको पड़ेगा लगभग 6,85,000 रुपए में, ये गाड़ी पड़ेगा, और वो गाड़ी अगर आपने लेना है तो वो गाड़ी आपको पड़ेगा 5,15,000 रुपए में। दोनों गाड़ियों का प्राइस मैंने आपको बताया है एनओसी के साथ, अगर आप अपनी स्टेट के नंबर के साथ चाहते हो या फिर ट्रांसफर करवाना चाहते हो या इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो उसका चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बाकी भाई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी एक्स्ट्रा होता है, और जब गाड़ी की फुल पेमेंट हो जाती है उसके बाद गाड़ी का वीडियो बनता है, फिर उसके बाद लोडिंग के लिए जाता है, क्योंकि हमारे कई कस्टमर बोलते हैं सर आप लोड करके एक बार भेज दो, सर फोटो भेज दो, मैं थोड़ी बहुत बैलेंस जो पेमेंट है वो डाल देता हूँ, ऐसा हमारा कंपनी का कोई रूल नहीं है, आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो गाड़ी रेडी हो जाएगा, आप हमारे पास आ जाओ, यहां पे पेमेंट कर दो, उसके बाद हम वीडियो शूट करके आपको हाथों हाथ गाड़ी दे देंगे। वीडियो नहीं भी शूट करवाना वो आपकी इच्छा, हमें कोई जरूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी का वीडियो शूट करें, वो आपके ऊपर, आप बोलोगे तो हम कर देंगे, आप मना कर दोगे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको पेमेंट पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद लोडिंग पे जाएगा, फिर आप या फिर आपको ड्राइवर के थ्रू भेजेंगे। प्लीज बिना पेमेंट डाले ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा फोर्स मत करें, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि आप ज्यादा फोर्स करोगे, हमने रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है, और लोड करके गाड़ी तभी भेजना, और ट्रांसपोर्ट जरूरी नहीं है, जब आपने लोड पेमेंट डाल दिया उसके साथ की साथ ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट में कई बार टाइम भी लग जाता है, जैसे मान के चलो हमने ट्रांसपोर्ट को बुक कर दिया तो उसका कंटेनर जब आएगा 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पेमेंट डिले बिल्कुल मत करें, बाद में अगर आपको जल्दी है गाड़ी की तो पेमेंट डिले मत करें, उसमें ट्रांसपोर्ट में कई बार टाइम लग जाता है, जैसे हमने उड़ीसा भेजी थी एक गाड़ी, उसमें भी लगभग कम से कम 15 से 20 दिन ऊपर चले गए थे, तो ये चीज़ होती है भाई, टोटल जो टाइम है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो टोटल टाइम ट्रांसपोर्टर के हाथ में है, हमारा टाइम जो रेडी करने का वो 45 डेज का है। तो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको कुछ नया टॉपिक, तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।